हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो सीआरपीसी में कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, बेल हो गया था। समझ में आया कि नहीं। 439 तक हम लोगों ने पढ़ा था बेल, ठीक है, वहीं तक ही आता है, उसके बाद नहीं आता है। फालतू का दिमाग पे लोड नहीं लेना है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टीज चैप्टर 34 काट दो, नहीं पढ़ना, नहीं पूछा जाता। इरेगुलर प्रोसीडिंग चैप्टर 35, ठीक है। चैप्टर 35 में क्या है, अब जो है उत्तराखंड में, राजस्थान में, एमपी में, इसमें से पूछा जाने लगा है, ठीक। प्री का ही आता है और कुछ नहीं आता है इसमें। इरेगुलर प्रोसीडिंग का क्या मतलब है इसमें, कि अगर प्रोसीडिंग में कोई गलती हो जाती है, ठीक है, अगर प्रोसीडिंग में कोई गलती हो जाती है जो जिस हिसाब से सीआरपीसी में रूल्स दिए हुए हैं कि जे मजिस्ट्रेट साहब ट्रायल करना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, लोकल ज्यूरिडिक्शन उसकी ये होगी, ये सब जो चीजें हैं, समझेंगे। अगर इसका मतलब ये है कि इररेगुलर प्रोसीडिंग का मतलब है कि क्या है, कि अगर कोई गलती हो जाती है प्रोसीडिंग में, इररेगुलरिटी आ जाती है उसमें, तो उसका क्या होगा, क्या वो जजमेंट जो है वॉइड हो जाएगा, है? क्या सेंटेंस जो उसमें दी गई है जो क्रिमिनल कोर्ट द्वारा, क्या वो वॉइड मान ली जाएगी, ये बताता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सेक्शन जो 462 है, 461 सॉरी 461 है, उसमें जो जो चीजें इररेगुलरिटीज दी हुई है ना, अगर वो होती हैं तो वॉइड होगा, वॉइड होगा, ठीक है। जजमेंट या सेंटेंस कुछ भी पास हुआ, ऑर्डर जो भी कुछ पास हुआ, वो वॉइड मान लिया जाएगा अगर वो 461 पे फॉल हो रहा है। उसके अलावा कहीं पे भी ये वॉइड, उसके अलावा कुछ भी गलती हो जाए, ठीक है, वॉइड नहीं माना जाएगा। अरे यार, उसके अलावा कोई भी गलती हो जाए वॉइड नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं क्या क्या है। समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाहता हूँ। देखो, पूरे अभी तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो तो सब ठीक है कि ज्वाले मजिस्ट्रेट द्वारा देखा जाना चाहिए, यहाँ पर ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल में ये होना चाहिए, 164 का बयान ऐसे होने चाहिए, 164 के बयान में ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है, सब बातें सही हैं। लेकिन अगर उसमें कोई लूप होल आ जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो क्या उस गलती की वजह से पूरी प्रोसीडिंग सब बेकार मान ली जाएगी, क्या उस गलती की वजह से जजमेंट सही नहीं माना जाएगा, या कोई सेंटेंस उसे हुई है क्या वो सही नहीं मानी जाएगी, या कोई ऑर्डर पास हुआ है क्या वो सही नहीं माना जाएगा, ये बात ये बोलता है चैप्टर 35, ठीक है, कि सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। सबसे पहले 460 है। अरे खाना बन रहा है। सबसे पहले 460 है। 460 ये बोलता है कि अगर इसमें जो चीजें दी हुई हैं, कि अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो वो वॉइड नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो ठीक माना जाएगा, कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। इररेगुलरिटीज विच डू नॉट विटिएट प्रोसीडिंग, समझे कि नहीं, ऐसी इररेगुलरिटी जो प्रोसीडिंग पे असर नहीं डालेंगी, ठीक है। कैसा, अगर इफ एनी मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग, कि अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब, अगर उनके पास लॉ में, मतलब सीआरपीसी में पावर नहीं है इनमें से कोई काम करने की, अगर फिर भी अगर वो कर देते हैं तो चलो कोई बात नहीं, गलत नहीं हुआ, ठीक है। ये बताता है क्या क्या, टू इशू ए सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, कि 94 के अंडर सर्च वारंट इशू करना है, उनके पास पावर नहीं थी फिर भी उन्होंने कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। टू ऑर्डर अंडर सेक्शन 155 द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस, ठीक है, 155 के अंडर पुलिस ऑफिसर को पावर दे दी कि तुम इन्वेस्टिगेट कर दो, जब तक मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं थी फिर भी, ठीक है। टू होल्ड इंक्वेस्ट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176, कोई बात नहीं, उनके पास पावर नहीं थी फिर भी उन्होंने कर दिया। तो इसमें जो सारी चीजें दी हुई हैं, मजिस्ट्रेट साहब का पावर ना होते हुए भी अगर वो कर देते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि साफ साफ दिया हुआ उसके हेडिंग में, इररेगुलरिटीज विच डू नॉट विटिएट प्रोसीडिंग, ठीक है। इसमें अंदर से नहीं पूछा जाता, सिर्फ 460 ये पूछा जाएगा कि इररेगुलरिटीज विच डू नॉट विटिएट प्रोसीडिंग कहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए सेक्शन 460 में दिया हुआ है।
इररेगुलरिटीज विच विटिएट प्रोसीडिंग कहां पे दिया हुआ है, 60 में डू नॉट है और 61 में है, ठीक है। इररेगुलरिटीज विच विटिएट प्रोसीडिंग कहां पे दिया हुआ है, 461 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 460 समझ में आया, 460 में जितने भी दिए हुए हैं उनमें से कोई अगर उनका इम्पावर नहीं है मजिस्ट्रेट पास फिर भी कर देता है तब भी वो प्रोसीडिंग शैल नॉट सेट असाइड इरोनियसली इन गुड फेथ डस दैट थिंग हिज प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी सेट असाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉट बीइंग सो इम्पावर्ड, ठीक है। केवल इसी ग्राउंड पे प्रोसीडिंग पूरी खारिज नहीं कर दी जाएगी कि भाई उनके पास पावर नहीं थी मजिस्ट्रेट साहब के पास, समझ में आ रही बात, अगर वो 460 में फॉल हो रहा है तो उनमें से कोई फंक्शन फॉल हो रहा है। दूसरी बात, गुड फेथ में किया हुआ हो, ठीक है, आपको पहले से ही पता था कि मेरे पास पावर नहीं है फिर भी ऐसा काम कर रहे तो वो गुड फेथ में माना जाएगा, नहीं तो वो गुड फेथ में नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब 461 में साफ साफ दिया हुआ है कि अगर इनमें से कोई ऐसा काम किया, 461 में साफ साफ दिया हुआ इनमें से कोई काम किया तो भैया वॉइड मान ली जाएगी आपकी प्रोसीडिंग, ठीक है। जैसे कि अटैचमेंट एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 के अंदर आपने सेल एंड अटैचमेंट कर दिया है, ठीक है, जबकि आपके पास पावर नहीं थी तो भैया वो सेल अटैचमेंट सही नहीं मानी जाएगी, ठीक। इशू ए सर्च वारंट फॉर ए डॉक्यूमेंट पार्सल कोई भी ऐसे इन सब चीजों में, ठीक है, स्पेशली कुछ लोगों को उनके पास पावर होती है। डिमांड सिक्योरिटी टू कीप पीस, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के लिए अगर आपके पास पावर नहीं है फिर भी आप डिमांड कर रहे हैं एक्यूज से, ठीक है, या किसी भी आदमी से 106 से लेके 110 तक आपके पास पावर नहीं है आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें हैं जिसमें अगर पावर नहीं है फिर भी कर रहे हैं तो वो ये मान लिया जाएगा कि भैया वॉइड है प्रोसीडिंग, समझ में आ रही बात की नहीं, सिंपल ही है यार इसमें समझने वाली बात क्या। प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेस 462, कोई बात नहीं, मान लो डिवीजन में सब डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट में लोकल जुरिडिक्शन में कहीं पे भी कोई गलती हो जाती है, ठीक, उस गलती से अगर किसी भी पार्टीज को इनजस्टिस नहीं होता है, ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हो गई कोई बात नहीं, ठीक, समझ में आ रही बात की नहीं, पढ़ लेना उसको। अगर मतलब कहने का मतलब है 461 को छोड़ के उसमें जो चीजें दी हुई हैं वो गलतियां छोड़ के कोई भी गलती हो जाए पूरे सीआरपीसी में, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है, अगर फेलियर जस्टिस नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 462 ये बोलता है कि रॉन्ग प्लेस पे भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। 463 ये बोलता है कि अगर 164 और 281 के बयान में कोई गलती, 164 के बयान में और 281 के रिकॉर्ड में भी कोई गलती हो जाती है, अगर उससे फेल्यूर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है कि नहीं भाई। 164 के बयान दर्ज हुए उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो क्या हुआ, उस मिस्टेक से कोई पार्टी इसको फेल्यूर ऑफ जस्टिस तो हो नहीं रहा, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें समझने में दिक्कत हो रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ था क्या मतलब है उसका, अगर उसे समझने में दिक्कत हो रही है समझ ही नहीं पा रहा ना उसका वकील समझ पा रहा कि क्या मजिस्ट्रेट साहब इसमें कहना चाह रहे हैं तो भैया फेलियर ऑफ जस्टिस है, इसका मतलब फेलियर ऑफ जस्टिस है तो फिर वो सेट असाइड कर दी जाएगी, ठीक है, वॉइड मान दिया जाएगा। और अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, है कि नहीं। चलो इफेक्ट ऑफ ऑमिशन टू फ्रेम अब्सेंस और एरर इन चार्ज 464 तुम लोगों ने चार्ज के साथ ही पढ़ा था कि चार्ज में कोई भी गलती हो जाए, ठीक है, चार्ज में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते समय कोई भी गलती हो जाए अगर उससे फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है, उससे एक्यूज को चार समझने में दिक्कत नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो फिर वो सही मान लिया जाएगा, और फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तो फिर भाई उसको सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा, ठीक। इसमें अंदर से कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ डायरेक्ट सेक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो भी अब पूछे जाने लगे हैं, पहले इसमें से भी नहीं पूछे जाते हैं ज्यादातर, स्पेशली अगर आप उत्तराखंड एपीओ का दे रहे हैं तो आज लिख के देख लीजिए इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इररेगुलरिटी में से क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। फाइंडिंग ऑफ सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजंस ऑफ एरर ओमिशन और इररेगुलरिटी, ठीक है, कि अगर कोई भी सेंटेंस है या फाइंडिंग है कोई भी ऑर्डर है कोई भी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा दिया हुआ है अगर उसमें कोई भी एरर होता है
कोई दिक्कत नहीं है अगर फेल्यूर एडजस्टेड नहीं हो रहा है। डिफेक्ट और एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल, ठीक है, अगर कोई भी अटैचमेंट है उसमें डिफेक्ट हो रहा है, कोई गलती हो रही छोटी मोटी, लेकिन अटैचमेंट तो सही प्रॉपर्टी का हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे अटैचमेंट अनलॉफुल नहीं हो जाएगा। ठीक, चलो डायरेक्ट याद कर लेना, अंदर से कुछ नहीं आता, बहुत ही किस्मत खराब हो तो 460 और 461 के अंदर से कुछ पूछ लें, ठीक है, अब वो तो आपकी किस्मत के ऊपर है, वो भी अगर आप एक दो बार रीड मारेंगे ना तो आप समझ जाएंगे, अगर पूरी सीआरपीसी पड़ी हुई तो समझ में आ जाता है कि भाई कौन सा सीरियस नेचर का है, किसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब यार सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, मान लो आपके पास पावर नहीं है, आप कैसे मांग रहे हो उससे, समझे कि नहीं, है कि नहीं, बस ये समझ लो। सेक्शन 83 में अटैचमेंट कर दिया आपने है कुर्की करके, तो ये थोड़े कर लो जब आपके पास पावर नहीं है। चलो अब आता है चैप्टर 36। चैप्टर 36 लिमिटेशन। क्या है भैया लिमिटेशन, देखो ये बताता है लिमिटेशन पीरियड, कोई भी केस फाइल करने का कितना टाइम पीरियड होता है। मान लो मेरे आज किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है, या मुझे किसी ने हर्ट किया, तो कितने दिन में मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। ठीक है, मीटू वाला केस हुआ था, मीटू वाले केस में क्या हुआ था, आदमी 20-20 साल पुराने इंसिडेंट सामने ला रहा था कि 20 साल पहले इन्होंने मुझे सेक्सुअल असॉल्ट किया था, या मेरा रेप किया था, या मुझे हरेस किया था, ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट किया था मेरा, तो ये सब 20-20 साल बाद ये सामने खुल के आ रहे थे। तो कोई भी किसी भी ऑफेंस में कोई ऑफेंस होता है तो कितने टाइम पीरियड में केस कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक अलग से एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट है, जो सारे लॉस का ये बताता है कि आदमी कितने टाइम पीरियड में केस कर सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो कब कर सकता है, ठीक है, सिविल लॉ का है तो कब कर सकता है, प्रॉपर्टी का है तो कितने दिन में कर सकता है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी की है तो कितने दिन में कर सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी के साथ फॉर्जरी हुई है, सब कुछ है, ये सब सब इसमें है, ठीक, लिमिटेशन एक्ट से डील होता है। लेकिन लिमिटेशन एक्ट जो है इसमें अप्लाई नहीं होता, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट नॉट अप्लाई इन केस ऑफ सीआरपीसी में लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई होता, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अपील एंड रिवीजन। ठीक है, सिर्फ इन दोनों में ही ये अप्लाई होता, अपील और डिविजन के केस में लिमिटेशन एक्ट सीआरपीसी के केसेस में अप्लाई होता है, वरना सीआरपीसी में लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास अलग से लिमिटेशन पीरियड के लिए एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 36 कहाँ पे, सीआरपीसी में, ठीक है, तो सीआरपीसी अपना खुद बताता है कि भैया लिमिटेशन पीरियड हमारे सीआरपीसी में कोई भी ट्रायल के लिए, ठीक है, प्रोसीजर के लिए, हमारे प्रोसीजर में टाइम पीरियड क्या रहेगा ये हम खुद बताएंगे, मेरा चैप्टर 36 बताएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका 467 से 473 तक, ठीक है, 467 से 473 तक, इतना समझ में। इसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस हैं जो टाइम पीरियड बताते हैं, ठीक है, कमेंट आपको करके बताना ये कहाँ कहाँ दिए हुए हैं प्रोविजन, मैं बता रहा हूँ सेक्शन आपको बताना है, प्रोविजन मैं बता रहा हूँ कि वाइफ के केस में, ठीक है, अगर रेप इन केस ऑफ वाइफ, अगर कोई भी रेप ऑफ हिज ओन वाइफ, अगर कोई अपनी ही वाइफ का रेप करता है, ठीक है, तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा पहले ये बताओ, ठीक, सेक्शन आपको बताना है,
ठीक है, चलो एक हिंट भी दे रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा 199 से 190 से 200 के बीच में है, 190 से 199 के बीच में है, ठीक। चलो दूसरा कि अगर डिफेमेशन के केस में, डिफेमेशन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में डिफेमेशन का टाइम पीरियड 6 मंथ होता है, ठीक, 6 महीने के अंदर। अगर 6 महीने में आप केस करते हैं तो ठीक है, वरना नहीं माना जाएगा। वाइफ के केस में 1 साल है अलग से, 1 ईयर, अगर 1 ईयर के केस में फाइल करते हैं तो ठीक है, वरना उसके बाद केस फाइल नहीं होगा, ठीक है। अब ये भी कहाँ दिया हुआ है ये आपको बताना है, इसी पोर्शन में 199 के बीच में, ठीक। सेक्शन आपको कमेंट करके बताने हैं, अगर कोई अपनी वाइफ का रेप करता है तो उसके साथ उसको केस करने के लिए, वाइफ को कंप्लेंट करने के लिए कितना टाइम है, 1 साल, ठीक है। अब प्रेजेंट के केस में, डिफेमेशन के केस में अगर, तो उसमें 6 महीने, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब यहाँ पर दिए हुए हैं, मार्कर से नहीं चल रहा है ये। सेक्शन 467 क्या कहता है, 467 ये कहता है, डेफिनेशन बताता है, ठीक है। क्या डेफिनेशन बताता है, डेफिनेशन बताता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन की डेफिनेशन जो है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है हम वो मानेंगे जो सेक्शन 468 में दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात करता है, 467 ये कहता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम ये मानेंगे जो 468 में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 468 है। 468 क्या कहता है, 468 बताता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, ठीक। अगर कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 6 महीने तक है, सॉरी, अगर कोई आदमी ऐसा ऑफेंस करता है जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन है, ठीक है, सिर्फ आईपीसी में सिर्फ उसकी पनिशमेंट क्या है, फाइन है, तो उसका टाइम पीरियड हमारे पास 6 मंथ है, 6 महीने के अंदर हमें केस फाइल करना होगा, ठीक। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है जिसकी पनिशमेंट जो है अप टू 1 ईयर है, ठीक है, जिसकी पनिशमेंट क्या है, 1 साल तक है, अप टू 1 ईयर, कुछ भी 3 महीने 6 महीने, ठीक है, अगर 1 साल तक है तो उसका टाइम पीरियड होगा 1 मंथ, ठीक है। कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट जो है अप टू 3 ईयर्स है तो उसका टाइम होगा 3 ईयर्स, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट मोर देन थ्री ईयर्स तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, नो लिमिट, कभी भी कर लो, नो टाइम पीरियड लिख दे, नो लिमिट लिख दे, ठीक है, या नो टाइम, कभी भी, ठीक है। तो रेप के केस में तो कभी भी केस कर सकते हैं, समझे कि नहीं, क्योंकि ऑफेंस ही ऐसा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, 6 महीने हुए होंगे, तो रेप के केस में क्या था, एक लड़की का गैंग रेप हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, तो मतलब उसी के गांव वालों ने, रिश्तेदारों ने किया था, अब उससे, उस रेप से उसे एक बच्चा हुआ, ठीक है, बच्चा हुआ। तो क्या हुआ, जब वो बच्चा बड़ा हो गया ना, 22 साल का हो गया, तो पता नहीं ऐसा कुछ हुआ, कोई बात ऐसी हुई, तो उसने अपने बेटे को ये बात बताई, ठीक है, ये 90 की बात होगी, 90 से भी पहले की बात होगी, जब उसका रेप हुआ था, हाँ 90 की बात, 95 की बात है ऐसा ही। तो उसने ये बात बताई अपने बेटे को, उसके बेटे ने अपनी माँ को कन्वेंस किया कि आप केस करें, ठीक है। तो उन्होंने केस किया और उन लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो इसलिए जो है, और मी टू वाले भी केस में, ठीक है, मी टू वाले भी केस में अगर किसी ऐसा था, ऐसी ऐसी चीज़ें कौन है, बाबूजी जो विवाह मूवी वाले जो थे, बाबूजी क्या नाम है उनका, मी टू का उसके ऊपर केस हुआ था, तो 20 साल बाद हुआ था भाई साहब, 25 साल बाद। तो इसमें
कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ठीक है। मर्डर का कोई केस है, ठीक है, हमें मालूम नहीं है किसने किया था मर्डर, या बॉडी नहीं मिली। मान लो कोई, बहुत से ऐसे हो जाते हैं आदमी गायब हो जाते, मिलते ही नहीं कभी, हमें 20 साल बाद मालूम पड़ा कि वो तो गायब नहीं हुआ था कहीं, उसे तो मार दिया गया था, मार के कहीं दफना दिया गया, 20 साल बाद बॉडी मिली या कुछ भी मुझे सबूत मिले, तो 20 साल बाद केस करो उसमें क्या, ठीक है। तो ये है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है खूब, और ये फ्री का नंबर हो जाता है, बस आपको एक बार देखना होगा। चलिए मिलाते हैं, जैसे ये कि नहीं, सेक्शन 468 सबसे पहला, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इज बाय दिस कोड नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑफ कैटेगरी स्पेसिफाइड सबसेक्शन 2 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। साफ साफ बात है कि जो सबसेक्शन 2 में जो टाइम पीरियड दिया हुआ उसी में ही केस करना है, उसके बाद आप केस नहीं कर पाओगे। टाइम पीरियड क्या है, 6 मंथ इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, अगर फाइन है तो 6 मंथ। दूसरा 1 ईयर इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फॉर इट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है, अप टू 1 ईयर का कोई ऑफेंस है तो उसका टाइम पीरियड क्या है, 1 मंथ। तीसरा क्या है, 3 ईयर इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, ठीक है। अप टू 3 ईयर का मतलब 1 से 3 साल कर लो इसे, 1 से 3 साल, क्योंकि 1 से कम हो गया तो फिर यहां जाएगा 1 मंथ क्यों लिखा है, 1 ईयर है, 1 ईयर, ठीक है। अगर 1 से कम हुआ, अप टू 1 ईयर हुआ तो यहां तक, और 1 से ज्यादा और 3 से कम हुआ तो यहां पर, ठीक है, और 3 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा का कोई टाइम पीरियड नहीं कभी भी केस का, ठीक है, मोर देन 3 ईयर कभी भी। और इसका सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर मान लो 2-4 ऑफेंस हुए हैं, ठीक है, 2-4 ऑफेंस किए कि पहले थप्पड़ मारा, फिर हमने चाकू मारा, ठीक है, थप्पड़ चाकू तो एक ही में आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने पर्स लूटा, ठीक है, पर्स लूटने बाद मैंने एक चाकू भी मार दिया उसके, ठीक है, तो उसमें जो है जो सबसे हीनियस क्राइम होगा उसमें सबसे सीवियर क्राइम होगा, ठीक है, वही काउंट किया जाएगा, उसी का टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा, ठीक है। चलो कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कमेंसमेंट कब से होगा, टाइम पीरियड जोड़ा कब से जाएगा, ठीक है, कमेंसमेंट चालू कब से किया जाएगा, ये मान लो हमने 6 महीने बोला तो 6 महीने कब से जोड़ा जाएगा, जिस दिन से ऑफेंस हुआ है वो, कमेंसमेंट कब से होगा, कमेंसमेंट कब से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कमेंसमेंट जो है सेक्शन कौन सा इसका, 469 कब से, जिस दिन से ऑफेंस हुआ, डेट ऑफ ऑफेंस, या जिस दिन से ऑफेंस मालूम पड़ा, नोन, ठीक है, या ऑफेंस मालूम पड़ा, ठीक, या जिस दिन से ऑफेंडर को मालूम, ऑफेंडर का मालूम पड़ा किसने किया है, ठीक है, ये 3 है, क्या है भैया, जिस दिन ऑफेंस हो गया उसी दिन से मालूम हो गया भाई, जिस दिन ऑफेंस हुआ उसी दिन में मालूम हुआ कि भैया इसने किया है तो उसी दिन से टाइम पीरियड चालू हो गया, ठीक। दूसरा कि आज जिस दिन हमें ऑफेंस मालूम पड़ा, हमें मालूम ही नहीं पड़ा यार ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ, मान लो उसने फौजरी की है, ठीक है, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा मेरे साथ फौजरी हुई है, तो जिस दिन मालूम पड़े हमें, ठीक है, या जिस दिन पुलिस ऑफिसर को मालूम पड़े, हमें नहीं मालूम हुआ लेकिन पुलिस ऑफिसर को मालूम हुआ तो भी उस दिन से। तीसरा, अब हमें ऑफेंस तो मालूम है कि क्या हुआ, मान लो किसी हमें किसी आदमी ने एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, अब ये तो मालूम है एक्सीडेंट हुआ लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि किसने किया, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें जिस दिन ऑफेंडर के बारे में मालूम पड़े उस दिन से टाइम पीरियड चालू होगा, ठीक है। चलो समझ में, सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या, सबसेक्शन 2 होता है कि जिस दिन ऑफेंस हुआ है वो दिन एक्सक्लूड करके माना जाएगा, ठीक है, जिस दिन ऑफेंस हुआ है वो दिन काउंट नहीं होगा, उसके अगले दिन से काउंट होगा, जिस दिन ऑफेंस हुआ उसी दिन थोड़े कोई केस कर देगा, इसलिए वो दिन छोड़ दो, उसके बाद 6 महीने जोड़ो, ठीक, जो भी कोई टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड जोड़ो। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस, ठीक है, अब क्या है, अब ये बताता है 470 कि कुछ कुछ टाइम में वो पीरियड, वो टाइम जो है छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी के ऊपर केस करने के लिए सैंक्शन की जरूरत है, परमिशन की जरूरत है, तो परमिशन लेने में जितना टाइम लगा है वो छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी कोर्ट ने मेरे ऊपर इंजंक्शन लगा दिया है, ठीक है, इंजंक्शन लगा दिया कि आप केस नहीं फाइल कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ये सोच रही है कि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स हो जाएगा, मेरे ऊपर इंजंक्शन लग गई है, ठीक है, कोई रोक लगी हुई है मेरे ऊपर,
तो उस वजह से हम केस फाइल नहीं कर पा रहे तो वो वाला टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताता है कि भाई जब टाइम पीरियड हम जोड़ेंगे ना तो उसमें क्या क्या चीजें हम एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंजंक्शन लगा हुआ, जितने दिन तक इंजंक्शन, जिस दिन से कोर्ट ने लगाया और जिस दिन तक नहीं हटाया वो टाइम पीरियड हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत है हमें केस फाइल करने के लिए, तो परमिशन लेने में जितना टाइम लगा वो टाइम हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ लेना है, तो आसान ही है, कुछ नहीं है। एक्सक्लूजन ऑफ डेट ऑन विच कोर्ट इज क्लोज, 471 कि भैया जिस दिन कोर्ट क्लोज होगी वो नहीं काउंट जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, 6 महीने का टाइम पीरियड था इसमें, ठीक है, फाइन के केस में। अब मैंने सोचा 6 महीने तक तो है, तो 6 महीने तक मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है आपने 3 महीने में क्यों नहीं किया। जितना टाइम है उस टाइम में तो हम आखिरी दिन भी कर सकते हैं। आप हम कोर्ट हमसे ये नहीं पूछ सकती कि तुम आखिरी दिन क्यों आए, समझे नहीं। अरे मेरे पास टाइम है, उस दिन आएंगे। अब मान लो आखिरी दिन का मैंने रखा, उस दिन जो है कोर्ट बंद है, तो जिस दिन कोर्ट खुलेगी उस दिन, ठीक है। तो अगर लास्ट डेट उसका टाइम फाइलिंग का था, उस दिन जो है कोर्ट बंद होती है, तो जिस दिन कोर्ट खुलेगी वो एक दिन उसे मिलेगा। ठीक है, ये बताता है 471। 472 ये बोलता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अब कंटिन्यूइंग ऑफेंस तो आप जानते ही हैं कि एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस में जब जब नया ऑफेंस होता जाएगा ना उसके साथ जुड़ता जाएगा तभी से नया लिमिटेशन पीरियड चालू होता जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस में जब तक कंटिन्यू वो चलता रहेगा तब तक टाइम पीरियड, जब तक उसके हर दिन से नया टाइम पीरियड चालू होगा। ठीक, लास्ट सेक्शन ये बोलता है कि ठीक है ये सारे रूल्स हैं कि इतने दिन में केस फाइल कर सकते हो, ये है वो है, उसके अलावा भी कोर्ट अगर चाहे तो टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकती है या लेट भी फाइल हो तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड और लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस, अगर कोर्ट को जेन्युइन रीजन मिलता है, ठीक है, अगर जो एक्यूज्ड है, जो केस फाइल, सॉरी, ये जो एप्लीकेंट है, विक्टिम जो है, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाता है कि भाई मेरे पास जेन्युइन रीजन है क्यों मैं लेट हो गया, ठीक है, या क्यों मैं इतने दिन में टाइम पीरियड फाइल मैं केस नहीं कर पाया, तो उसमें क्या होगा, कोर्ट अलाउड कर सकती है उसे। ठीक है, कोर्ट को ये पावर दी हुई है। 471 अभी लास्ट टाइम उत्तराखंड में पूछा गया था। चलिए, अब आखिरी रह गया है मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस बस आखिरी लेक्चर रिकॉर्ड ही करूँगा, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, चलिए, अब हम लोग अपने बहुत लंबा सफ़र हम लोग ने तय किया था जो लगभग ख़त्म ही हो गया। ठीक है, थैंक यू।